Hello everyone and welcome back. I hope you all are doing very well. लंच की तैयारी करने जा रही थी तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। आज मैं बना रही हूँ ये साबुत यानी कि अखा मसूर की दाल। मसूर की दाल साबुत वाली कुछ इस तरीके से दिखती है। दिस इज ब्राउन इन कलर। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है और स्पेशली अगर आपने कभी महाराष्ट्र साइड पे किसी ढाबे पे खाना खाया होगा तो ये वाली दाल बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि थोड़े से यूनिक तरह से बनती है ये, नॉट लाइक द रेगुलर दाल दैट वी मेक। और इसके फ्लेवर्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और ये टेस्ट में लाजवाब होती है। तो आज मैं यही अखा मसूर की दाल की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, एकदम ढाबे स्टाइल में। इसको मैंने रात भर भिगो के रख दिया था, क्योंकि साबुत दाल है तो पकने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है अगर आपने इसे भिगोया नहीं होगा एटलीस्ट फॉर 7-8 आवर्स या फिर ओवरनाइट, तो पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगी। चावलों को बहुत ज़्यादा भिगोने की ज़रूरत नहीं होती, तो मैं बस अभी ही इन्हें भिगो रही थी कि बस 20 मिनट भीगे रहें। सबसे पहले मैं कुकर में दाल चढ़ा दूंगी बनने के लिए। ये जो पानी जिसमें मैंने दाल को भिगो के रखा था ये मैं डिस्कार्ड कर दूंगी। जिन लोगों को अक्सर डाइजेस्टिव इश्यूज रहते हैं या फिर ब्लोटिंग हो जाती है, तो आप लोग स्पेशली ध्यान रखिए कि ये जो पानी जिसमें हम भिगो के रखते हैं होल पल्सेस या ग्रेन्स को, ये पानी कभी नहीं यूज़ करना चाहिए। इस पानी को कम्प्लीटली डिस्कार्ड कर दीजिए, और जो भी आप कुक कर रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे दाल कुक कर रही हूँ, तो मैं फ्रेश वाटर में कुक करूँगी, ना कि ये सोक्ड वाटर में। ये सोक्ड पानी मैं कम्प्लीटली डिस्कार्ड कर दूँगी। यू कैन यूज़ इट टू वाटर योर प्लांट्स। फ्रेश पानी मैंने दाल में डाल दिया है और इसका लेवल मैंने करीबन 1.5 इंच ऊपर रखा है दाल के लेवल से। और इसमें जाएगा नमक स्वाद अनुसार और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। नमक और हल्दी के साथ हम इस दाल को प्रेशर कुक करेंगे फॉर रफली 6-7 विसल्स। हर दाल में मेन फ्लेवर उसके तड़के से ही आता है। इस दाल को भी जो चीज़ यूनिक बनाती है वो है इसका स्पेशल तड़का, जिसके लिए हम कुछ चीज़ें रोस्ट करके लेंगे। मैंने एक यहाँ पे जाली रख दी है गैस के ऊपर और इसमें मैं रोस्ट करूँगी एक बड़ा प्याज। मैंने जो प्याज यूज़ किया था वो थोड़े छोटे साइज़ का था, तो मैंने यहाँ पे 1.5 प्याज यूज़ किया है और एक बड़ा टमाटर। प्याज और टमाटर को हम रोस्ट करेंगे और दूसरी जगह दूसरे फ्लेम पे कुछ और चीज़ें मैं रोस्ट करके लूँगी। 1 इंच टुकड़ा अदरक का, 3-4 लहसुन की कलियाँ, अराउंड 2 टेबलस्पून है ये ड्राई कोकोनट, और 1 हरी मिर्च ले रही हूँ मैं। इन चीज़ों को मैंने प्याज और टमाटर के साथ जाली पे इसलिए नहीं रोस्ट किया है क्योंकि ये सब चीज़ें जाली से नीचे गिर जाती। अगर आपकी महीन जाली है तो आप ये सब चीज़ें एक साथ जाली के ऊपर रोस्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं दोनों अलग अलग रोस्ट कर रही हूँ। पैन में कुछ चीज़ें रोस्ट कर रही हूँ और कुछ जाली के ऊपर। ये सब चीज़ें हमारे दाल के तड़के में जाएंगी। जैसे ही आपको दिखेगा कि प्याज और टमाटर की आउटर लेयर एकदम अच्छे से ब्लैक हो गई है, तो दैट मीन्स ये रोस्ट हो चुका है। हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। लाइकवाइज यहाँ पे बाकी की सारी चीज़ें भी रोस्ट हो गई हैं, तो इनको भी मैं सेम प्लेट में ही निकाल लूँगी और सभी चीज़ों को ठंडा होने दूँगी। अखा मसूर की दाल के साथ साथ मैं बनाऊँगी भिंडी की भी सब्ज़ी, लेकिन आज मैं भिंडी की सब्ज़ी 2 तरीके से बनाऊँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने फरमाइश की है कुरकुरी भिंडी खाने की, जो कि मेरे बच्चे नहीं खाते। सो फॉर माई किड्स मैं रेगुलर सिंपल भिंडी बनाऊंगी जो उन्हें पसंद है। अभी मैं तैयारी कर रही हूँ कुरकुरी भिंडी बनाने की, जिसके लिए मैं भिंडी के दोनों एंड्स काट दूंगी और उसके बाद भिंडी को लंबा लंबा 4 हिस्सों में काटूंगी, पतला पतला सा इस तरीके से। अगर भिंडी का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो उसे बीच में से काट लीजिए और उसके बाद उसके 4 हिस्से कीजिएगा, क्योंकि लगभग हमें इस भिंडी का साइज़ चाहिए होगा 2 इंच के करीब। उससे ज़्यादा बड़ा ये अच्छा नहीं लगता है। और जनरली ये कुरकुरी भिंडी डीप फ्राई होती है, लेकिन आज हम बिना इसे डीप फ्राई किए एयर फ्राई करेंगे और फिर भी ये उतना ही अच्छा टेस्ट देगी और कुरकुरी बनेगी। आप एयर फ्रायर की जगह इसे नॉर्मली बेक कर सकते हैं अपने ओवन या OTG में। सारी भिंडी को मैंने काट लिया है, इसको मैं एक बाउल में निकाल लूँगी और अब इसमें डालूँगी कुछ मसाले। ये भिंडी एक ड्राई स्नैक की तरह यूज़ होगी, इसलिए इसमें प्याज टमाटर कुछ नहीं जाएगा।
तो इस भिंडी को थोड़ा सा टेक्सचर देने के लिए मैं इसमें डालूंगी 2 बड़े चम्मच बेसन। इसे कुरकुरा बनाने के लिए जाएगा इसमें कॉर्नफ्लावर या फिर राइस फ्लावर। इसके अलावा जाएंगे घर के सारे बेसिक मसाले जो कि आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे इस समय। इसको बहुत ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए मैं इसमें डालूंगी नींबू का रस और ड्राई मैंगो पाउडर यानी कि आमचूर पाउडर भी। ये जो भिंडी है कुरकुरी भिंडी, ये आप स्नैक की तरह भी सर्व कर सकते हैं, इसलिए ये थोड़ी चटपटी ही अच्छी लगती है। बिल्कुल ब्लैंड सी भिंडी आपको अच्छा टेस्ट नहीं देगी। एयर फ्रायर को मैं प्रीहीट कर रही हूँ 4 मिनट के लिए 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इन द मीनवाइल सभी चीज़ें मैं भिंडी में बहुत अच्छे तरीके से मिला लूँगी। धीरे धीरे जैसे ही आप सारी चीज़ें मिलाएंगे ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि सारे मसाले भिंडी को अच्छे से कोट कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें नींबू का रस भी डाला है, ऑयल भी डाला है और बेसन, ये सब मिल के अच्छे से मसाले को भिंडी के ऊपर कोट कर देंगे। जब ये सब अच्छे से कोट हो जाए और आपका ओवन या एयर फ्रायर भी प्री हीट हो चुका हो, तो इसे बस आप बेक होने के लिए डाल दीजिए। मैं इसे बेक करूँगी एट 190 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले इनिशियली मैं इसे 5 मिनट के लिए रखूँगी, उसके बाद इसे खोल के निकालूँगी, थोड़ा सा हिलाऊँगी और वापस से बेक होने के लिए रख दूँगी। इसको रफली 15 से 17 मिनट लग जाएंगे अच्छे से कुरकुरा होने में एंड टू बी कम्प्लीटली डन। इन द मीनवाइल यहाँ पे दाल भी हमारी गल चुकी है, कुकर से प्रेशर अपने आप रिलीज हो चुका है, तो मैंने कुकर खोला है और दाल चेक कर ली है। आप उंगलियों से दाल को दबा के देखिए, अगर आप स्मूथली इसे प्रेस कर पा रहे हैं मतलब कि दाल अच्छे से गल चुकी है, अगर नहीं तो इसको कुछ विसल और दिला के गला लीजिए। लगे हाथ अब मैं तैयारी कर लूँगी दाल में तड़का लगाने की। तो ये सभी चीज़ें जो हमने रोस्ट की थी, प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, टमाटर, कोकोनट, ये सभी चीज़ें मैं ब्लेंडर जार में ले लूँगी अलॉन्ग विद एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का और एक आधा फूल चक्री का टुकड़ा। इन सभी चीज़ों को बिना पानी के हम स्मूदली ब्लेंड कर लेंगे। ये आराम से हो जाएगा बिना पानी के ब्लेंड। ये स्मूदली ब्लेंड जब हो जाएगा तो बस हम इसे अब यूज़ करेंगे तड़का लगाने के लिए। तड़का लगाने से पहले दाल में मैंने एक बार यहाँ पे भिंडी को चेक कर लिया है, इसे बेक होते हुए 5 मिनट हो गए थे। इसको खोल के मैंने इसे हिला दिया है और वापस से 5 मिनट के लिए सेम 195 डिग्रीज़ पे या 190 डिग्रीज़ पे बेक होने के लिए रख दीजिए। वैसे जनरली मैं दाल में तड़का घी में ही लगाती हूँ, लेकिन ये पर्टिकुलर दाल ऑयल में भी अच्छा टेस्ट देती है। तो मैंने यहाँ पर तड़के के लिए ऑयल लिया है, उसमें डाला है हींग, 1 साबुत लाल मिर्च और 1 चम्मच जीरा। अब ये जो पेस्ट हमने ब्लेंड करके रखी थी इसको डाल दूंगी कढ़ाई में और इसे 1-2 मिनट हम चला लेंगे। वैसे तो सब चीज़ें हम भून ही चुके हैं तो अब ज़्यादा इसे चलाने की ज़रूरत नहीं है, बस 1-2 मिनट ही इसे चलाइए और फिर हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले फ्लेवर के लिए। यहाँ पे एयर फ्रायर का भी टाइमर अप हो गया है, तो भिंडी मैंने निकाल के चेक कर ली है, दिस इज़ कम्प्लीटली डन। बिल्कुल अच्छे से कुरकुरी हो चुकी है, ड्राई हो चुकी है, आपको देख के ही समझ में आ जाएगा। बस इसको मैं अब बोल में निकाल लूँगी, ये रेडी है सर्व करने के लिए। लेकिन बस एक चीज़ आप एंड में कीजिएगा और वो है कि इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला ज़रूर स्प्रिंकल कर दीजिएगा बिफोर यू सर्व इट। बहुत टेस्टी बनती है, आपको इसके साथ किसी दाल चावल की भी ऑनेस्टली ज़रूरत नहीं है, इसे एज इट इज़ आप स्नैक्स में भी सर्व कर सकते हैं। मेरे एयर फ्रायर में इसे बेक होने में एग्जैक्टली 18 मिनट्स लगे थे। इन द मीनवाइल यहाँ पे मसाला भी हो चुका है, इसमें अब मैं डालूँगी लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा आमचूर पाउडर। इसको अच्छे से चला लीजिए, अगर लगे कि मसाला कढ़ाई को चिपक रहा है तो थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। अब ये गली हुई दाल मैं इसमें डाल दूंगी। दाल भी हमारी बहुत अच्छे तरीके से गल ही चुकी है तो बहुत ज़्यादा अब हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है। तड़का और दाल जब आप मिक्स कर दें उसके बाद एक बॉईल आने दीजिए, बस उतना ही हमें करना है, उसके बाद ये दाल रेडी है सर्व करने के लिए। हाँ, अगर आपको लगे कि दाल ज़्यादा गाढ़ी है तो गर्म पानी डाल के उसकी कंसिस्टेंसी आप एडजस्ट कर सकते हैं,
और लगे कि बहुत ज़्यादा पतली है तो थोड़ा सा ज़्यादा पका लीजिए ताकि ये थोड़ी गाढ़ी सी हो जाए। अगर आप चावलों के साथ सिर्फ खा रहे हैं तो पतली दाल अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप सिर्फ रोटी खा रहे हैं तो हल्की सी गाढ़ी दाल ही मज़ा देती है। आपको कैसा पसंद है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, पतली दाल या थोड़ी सी गाढ़ी दाल। वेल, यहाँ पे दाल तो हमारी बन चुकी है, ऊपर से मैंने कटा हुआ हरा धनिया डाल के उसे गार्निश भी कर दिया है, तो दाल परफेक्टली रेडी हो चुकी है। मैंने जैसे कि वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि कुरकुरी भिंडी बच्चे नहीं खाते, तो मैंने आधी भिंडी बचा के रखी थी उनके लिए बनाने के लिए। तो मैं अभी प्लेन भिंडी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें मैं सिर्फ डालूंगी प्याज और कुछ अपने घर के बेसिक मसाले, टमाटर तक नहीं डालूंगी बिकॉज दे प्रेफर प्लेन भिंडी। वैसे भिंडी की रेसिपी मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, बहुत फटाफट ये बनने वाली सब्ज़ी है और अधिकतर मैंने देखा है कि सबको पसंद भी आ जाती है। और ये एक ऐसी सब्ज़ी है ना जो आप बच्चों को या हस्बैंड को टिफ़िन बॉक्स में भी आराम से दे सकते हैं, रोटी या सिंपल परांठों के साथ ये बहुत टेस्टी लगती है। भिंडी की सब्ज़ी में ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है दैन एनी अदर सब्ज़ी, और अगर आप इसे नॉनस्टिक कढ़ाई में बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है, ज़्यादा आसानी होती है इसे बनाने में। ऑयल में मैं भिंडी को सॉटे कर लूँगी फॉर 3-4 मिनट्स, और इन द मीनवाइल जब तक ये सॉटे हो रही है मैं मोटा मोटा प्याज काट लूँगी। इस पर्टिकुलर भिंडी की सब्ज़ी में मोटा मोटा कटा हुआ प्याज या फिर स्लाइस किया हुआ प्याज ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत महीन प्याज को मत काटिएगा। एंड जैसे कि हम सभी जानते हैं दैट वी हाउस मेकर्स आर वेरी गुड एट मल्टीटास्किंग, तो हम बहुत सारे काम एक ही साथ कर लेते हैं। जब तक भिंडी पक रही है मैं यहाँ पे चावल जो भिगोए थे उन्हें बनाने के लिए चढ़ा दूँगी। चावलों में मैं सिर्फ डालूँगी जीरा और नमक स्वाद अनुसार, वैसे कई लोग ऑयल भी डालते हैं चावल बनाते वक्त, आप भी डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैं जनरली एक्स्ट्रा ऑयल कहीं पर भी हो तो अवॉइड करती हूँ। बस कुकर में मैं लगा दूंगी 2 विसल और चावल भी झटपट से बन जाएंगे। भिंडी को पकते हुए 3-4 मिनट हो चुके हैं तो अब मैं इसमें कटा हुआ प्याज डाल दूंगी। अगर आप प्रेफर करते हैं तो इस पॉइंट पे हरी मिर्ची भी डालिए, भिंडी में अच्छा टेस्ट देती है। ऑब्वियसली मेरे बच्चे नहीं खाते हरी मिर्च तो मैं यहाँ पर अवॉइड कर रही हूँ। मसालों में इसमें जाएगा सिर्फ नमक, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर, इसके अलावा और कोई मसाले इस भिंडी में नहीं जाएंगे। तभी मैंने कहा था ना इजी रेसिपी है, झटपट से बनने वाली है और जनरली मैंने देखा है कि हर कोई खा लेता है आराम से। भिंडी को हम कवर करके कुक नहीं करते हैं और इसमें पानी का छींटा भी नहीं डालते हैं, बिल्कुल पानी का इस्तेमाल नहीं होता है इसे कुक करते वक्त। जब भिंडी अच्छे से पूरी गल जाए, क्रिस्प हो जाए, तो भिंडी रेडी है। बस बिल्कुल टाइम नहीं लगता इस सब्ज़ी में। तो हमारे लिए तो लंच टाइम हो गया है और आज लंच में ऑब्वियसली 2 तरीके की सेपरेट प्लेट्स लगेंगी, बच्चों के लिए अलग और मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए अलग। आपकी कौन सी फेवरेट प्लेट है इन दोनों में से और आप क्या प्रेफर करेंगे खाना मुझे नीचे बताना मत भूलिएगा। बच्चे लेंगे दाल, रोटी, अक्खा मसूर की दाल और भिंडी की सब्ज़ी, और मेरे हस्बैंड और मैं खाएंगे ओनली दाल राइस अलॉन्ग विद द कुरकुरी भिंडी, और साथ में ये चटपटी आम की चटनी जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ज़रूर चेक कीजिएगा। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और कई वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगली रेसिपी आप कौन सी देखना चाहेंगे। मिलूंगी जल्द ही आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग अस। बाय बाय।